हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डेल स्टडी, दिस इज धीरज कुमार। अभी एक जो पीडीएफ मार्केट में घूम रहा है, बच्चे परेशान, सर रियल है कि नहीं? देखो मेरे को ना ये चीज़ रियल लग रहा है, ठीक है। अब कोस्ट गार्ड नाविक का जो है, जो कि इसके अंदर डेट दे रखा है 6 फरवरी से लेके कब तक, 16 फरवरी तक इसका डेट है अप्लाई करने का। अब ऐसा रियल क्यों लग रहा है? क्योंकि देखो मार्केट में ना ये हर बार का है कि वैकेंसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आने से पहले पीडीएफ मिल जाती है, तो मेरे को ये 100% रियल लग रहा है। तो आप इस पर विश्वास कर सकते हो, ठीक है? तो जो भी है विश्वास कर लो अभी के लिए, आपको बाकी ना कुछ दिन के बाद पता चल जाएगा। वैसे 6 फरवरी से अप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ आपको लास्ट जनवरी तक, 30 जनवरी तक कैसे भी पता चल जाएगा, बाकी जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। क्योंकि कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का भी सेम हुआ था कि ऑफिशियल साइट पर आने से पहले नोटिफिकेशन मार्केट में घूम रहा था, तो कोस्ट गार्ड का एक तरीके से इसको आप नोटिफिकेशन को जेन्यून मान लो। और सबसे दुखद घटना एक चीज़ है यहाँ पे, टेंशन लेने वाली बात है, यांत्रिक की वैकेंसी नहीं है इस बार, ठीक है? अगर इसको मान लेते हैं रियल, तो यांत्रिक की नहीं है। पहले भी होता था कि कोस्ट गार्ड जीडी की वैकेंसी आती थी, डीवी की नहीं रहती थी, यांत्रिक की नहीं रहती थी, खाली जीडी की रहती थी। फिर से बहुत टाइम के बाद इन्होंने यांत्रिक की वैकेंसी को गोलमाल रिटर्न कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। सिर्फ इस बार डीबी की और जीडी की वैकेंसी, तो आप डीबी और जीडी की वैकेंसी की तैयारी करो तो बम्पर अभी कुछ लोग पैनिक हो जाएंगे, सर बम्पर बोल दिया, बम्पर बोल के सॉरी, एक छोटी सी वैकेंसी आई है, ठीक है? बम्पर वैकेंसी तो कोस्ट गार्ड देता ही नहीं है, वही देता है डीवी की 30, 40, 50। पहले तो 50 देता था, फिर 40 किया, फिर 30 पे आ गया। हो सकता है कि अगली बार इससे भी कम हो जाए, तो कोशिश करो इसी में कहीं ना कहीं घुस जाने को अपने को। तो वही है जीडी की जो है ना 225 से ओवरऑल, ठीक है? चलो तो अभी जो जो क्राइटेरिया है इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा वीडियो को नहीं छीलूंगा, छोटा सा वीडियो बना के खत्म करूंगा। देखो एज क्राइटेरिया जीडी और डीबी के दोनों का देखो दे रखा है 1 सितंबर 2001 से लेकर 31 अगस्त 2005 तक। सुनो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे दूं कि तैयारी तो करना है, करते रहना है। कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीबी यांत्रिक के सेक्शन 1 का ना मॉक टेस्ट का हमने प्राइस इतना कम कर दिया कि आप सुन के खुश हो जाओगे। 15 प्रैक्टिस सेट जो है ना, पहले हमने जो 100 रुपीज़ में सेल किया था उसकी प्राइस अभी 69 कर दिया हमने, टैक्स वैक्स पे करके, कुछ भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा। वैसे तो 76 है, 2 रुपये टैक्स लगे, 69 हो जा रहा है। इसको ना फटाक से बाई करो बिना देरी किया, एप्लीकेशन पे टू जेड स्टडी के एप्लीकेशन पे दिख रहा है ना ये जो देखो इसकी प्राइस जो है ना 67 है, वैसे इसको 2 रुपये टैक्स लगेंगे 69। मैं कह रहा हूँ कि जितना जल्दी से जल्दी हो जाए इसको ले लो, क्योंकि नोटिफिकेशन जैसे ही आ जाएगा ना इसकी प्राइस को मैं बूम से आगे बढ़ाऊंगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे जो अपने बच्चे हैं ना पढ़ा जो रेगुलर पढ़ने वाले, मैं चाहता हूं कि वो सस्ते से सस्ते प्राइस पे बाई कर ले इसको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वीडियो सॉल्यूशन के साथ। अगर आपने पहले बाई कर रखा है इसको तो वेट करो, अगला फिर से टेस्ट सीरीज आएगा अलग वाला, उसकी भी प्राइस ना हम लोग 100 रुपये से कम रखेंगे, टेंशन नहीं लेना आप लोग, ठीक है? कोस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज की प्राइस इस बार इतना कम रखूंगा ना मैं, और सबसे बेस्ट क्वालिटी कॉन्टेंट की रिकॉर्ड करता हूँ, रिकॉर्ड बना दूंगा कि किसी ने ना तो इतना सस्ता दिया होगा ना हमसे ज्यादा कोई देगा। इस बार 67 में 15 मॉक टेस्ट है वीडियो सॉल्यूशन के साथ, फटाक से जाके फोड़ो वैकेंसी आने से पहले, इसको बना के खत्म करो, कहीं दूसरा प्रैक्टिस सेट आए ना उसको फोड़ देना। और सुनो हम लोगों ने ना पेड बैच स्टार्ट कर दिया कोस्ट गार्ड नाविक सेक्शन 1 के लिए, जिसकी प्राइस 900 रुपये है। लेकिन सुनो 900 रुपये अगर आप पे करते हो तो सेक्शन 1 की सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हम लोग कर देंगे ए टू जेड स्टडी की एप्लीकेशन के ऊपर, समझ में आ रहा ना? और उसके अंदर ना तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज बाई करना पड़ेगा, ना तो कोई बुक बाई करना पड़ेगा, ना कोई पीडीएफ बाई करना पड़ेगा, ना कहीं और से वीडियो देखनी पड़ेगी। हमारे एप्लीकेशन पे मैं सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाऊंगा, सारे पीडीएफ्स, सारे जितने टेस्ट सीरीज हैं उसी कोर्स के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप करो 7279047787 पे, ठीक है? कुछ लोग कहेंगे सर 900 रुपये हम एक बार में पे नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 300 करके पे कर देना, कोई दिक्कत नहीं, इंस्टॉलमेंट में पे कर पाओगे। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप करो 7279047787। आप चलते हैं हम लोग वैकेंसी के ऊपर। इस वैकेंसी की पीडीएफ को वैसे मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना समझ लो कि इसका एग्जाम जो होगा ना वो कब होगा, मार्च के एंड में होगा, ये स्टार्ट हो रहा है 6 फरवरी से 16 फरवरी के बीच में फॉर्म को फिल कर पाओगे आप, ठीक है? अब मार्च में आपका एग्जाम होगा कहाँ दे रखा है भैया, दे रखा है कहीं ना कहीं तो दिखा है मैंने इसके अंदर, थोड़ा नीचे दे रखा है, ठीक है? हाँ ये रहा, देखो ये कह रहा है मार्च 2023 के एंड में होगा। तो बस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, ज़्यादा नहीं छीलेंगे, जब ऑफिशियल अपडेट आएगा ना तो फिर से इसको छीलेंगे हम लोग, फिर से क्या क्या सीन है। जो मेन चीज़ें थी, वैकेंसी बता दी, एज क्राइटेरिया बता दी, वैसे तो एज क्राइटेरिया बहुत होता है, ओबीसी को 3 साल से अलग मिल जाता है 3 साल रिलैक्सेशन, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन, एग्जाम डेट बता दिया, तैयारी में जान लगा दो अगर आप कही जाते हो, क्योंकि नोटिफिकेशन मेरे को 100% सही लग रहा है और आपको पता है कि फेक न्यूज़ मैं फैलाता नहीं हूँ, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक बाय बाय, वीडियो को लेकर शेयर कर देना।